तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अर्पित फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसी बाबा में। एंड आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ GTA वाले के बेसिक कंट्रोल्स के बारे में। कुछ चीज़ें यार मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को बनाते टाइम भूकंप नहीं आया था, बट जो है यार कैमरे के लिए मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है यहाँ पे मोबाइल के कैमरा के लिए, तो थोड़ा सा यार दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बता दिया जाए कि किस तरीके से कंट्रोल करना है। यहाँ पे एक हाथ में भाई मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो एक हाथ से ही बता रहा हूँ पूरा का पूरा। एंड दूसरा ये कीबोर्ड बाबा आदम के टाइम का है, बाबा आदम ने गिफ्ट किया था मेरे को, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है हम घर पे बाहर निकलते हैं, तो ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि साथ में मैं आपको फिंगर्स पोजीशन भी बताऊंगा किस जगह पे आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी है गेम खेलते टाइम बेटर रिजल्ट्स के लिए, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और भी गेम्स में काम आएगी अगर आप और गेम्स खेलते हैं। तो बेसिकली मेरा जो हैंड है वो किस तरीके से रहता है, तो सबसे पहले मैं आपको पोजीशन जो है बता देता हूँ। तो देखो ये हमारा हैंड, अब देखो जो ये मिडिल फिंगर है ये रहती है W वाली पे, इसकी जो ये राइट वाली फिंगर है ये रहेगी D पे, और इसकी जो ये लेफ्ट वाली फिंगर है ये रहती है गाइस A वाले बटन पे। ये थोड़ा सा A हट गया है यहाँ से, बट ये A वाला बटन है। तो ये W, ये वाली D पे, ये वाली A पे, ये छोटी उंगली रहती है गाइस लेफ्ट वाले शिफ्ट वाले बटन पे, लेफ्ट शिफ्ट पे ये छोटी उंगली रहती है। एंड ये अंगूठा जो रहता है ये रहता है स्पेस बार पे। तो इस तरीके से हैंड पोजीशनिंग मेरी होती है बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा हैंड पोजीशनिंग मेरी हिल सकती है क्योंकि मैं यार एक हाथ से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब सीखते हैं हम हमारे कैरेक्टर को किस तरीके से आप सभी लोगों को जो है चलाना है। सबसे पहले बात करते हैं आगे चलने की। तो जैसे भाई ये आपका कैरेक्टर है, अब आप इसको चलाएंगे तो सही ना, सीधा चलाएंगे सबसे पहले। तो सीधा चलाने के लिए आपको जो बटन यूज़ करना है वो है गाइस ये W वाला बटन। तो ये हम W वाला बटन दबाएंगे और देखिए हमारा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल सीधा चलने लग गया। देखो मैंने W वाला बटन दबाया हुआ है और हमारा कैरेक्टर जो है सीधा चलता जा रहा है। अब हमको इसको सीधा नहीं चलाना, हमको तो भाई वापस पीछे लाना है, उल्टा चलाना है। तो W के नीचे ही जो बटन है ये है S वाला बटन, तो ये वाला बटन आप लोगों को प्रेस करना है और ये उल्टा चलने लग जाएगा भाई। तो समझ गए, W से चलता है सीधा और S से चलता है उल्टा, यानी कि W से चलता है सामने और S वाले बटन से चलता है वापस पीछे। अब अपन को सामने पीछे तो चलाना है ही नहीं। अब ये खंबा आ गया या टकरा गया ये खंबे के, लो भाई अब क्या किया जाए। तो इसके लिए गाइस हमको राइट और लेफ्ट मोड़ना पड़ेगा। तो लेफ्ट मुड़ता है यहाँ पे A से और राइट वाला जो मुड़ता है यहाँ पे ये जो D वाला बटन है, रुको मैं उधर कैमरा करता हूँ। तो गाइस जो ये D वाला बटन है इससे मुड़ता है राइट और A वाले बटन से मुड़ता है लेफ्ट। तो अगर आप D दबाएंगे तो आप राइट चलने लग जाएंगे, A दबाएंगे तो आप लेफ्ट चलने लग जाएंगे। तो समझ गए, इन बटनों से जो है आपका कैरेक्टर चलेगा WASD से। तो W से चलेगा सीधा, A से चलेगा लेफ्ट, D से चलेगा राइट और S दबाओगे तो वापस चलेगा पीछे वाली साइड में। तो ये आपका इस तरीके से चलेगा यहाँ पे GTA 5 में पूरा। अब बात करें जंप करने की, तो जैसे आपको जंप करनी है तो आप जंप करेंगे गाइस ये जो शिफ्ट वाला बटन है, सॉरी शिफ्ट वाला नहीं भाई क्या बोल रहा हूँ, तो ये जो स्पेस बार वाला बटन है तो आप इस पे दबाएंगे एंड ये यहाँ पे जंप करने लग जाएगा। पहले जंप इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और ये स्पेस दबा भी नहीं था ढंग से, ठीक है। तो अब हमको जंप करनी है तो चलते चलते ये स्पेस वाला बटन दबाया, ये दबाया एंड देखो हमारा कैरेक्टर जो है जंप करने लग गया है यहाँ पे, ये जंप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इतनी धीरे तो चलेगा नहीं, इसको दौड़ाएंगे भी तो सही ना। तो देखो इसको दौड़ाना किस तरीके से है आप सब लोगों को, जो ये लेफ्ट वाला शिफ्ट है, दो शिफ्ट होते हैं, एक होता है ये राइट वाला शिफ्ट एंड एक होता है ये लेफ्ट वाला शिफ्ट यहाँ पे। तो ये लेफ्ट वाला शिफ्ट आपको दबाना, दबा के रखना है और उसके साथ में W वाला बटन आपको दबाना है दौड़ने के लिए। तो देखना अभी, और ये देखो गाइस हमारा जो कैरेक्टर है ये भागने लग गया है। तो इस तरीके से आपका कैरेक्टर जो है GTA 5 में स्प्रिंट करेगा, ये देख लो इस तरीके से मैंने शिफ्ट और W वाला बटन जो है दबाया हुआ है। तो इस तरीके से आपका कैरेक्टर जो है स्प्रिंट करेगा, भागने लग जाएगा GTA 5 में। स्टेमिना होता है इसमें, अगर ज़्यादा भाग लिए तो स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा कैरेक्टर का, तो फिर आप सब लोगों को जो है दिक्कत हो सकती है, इसलिए इतना तेज भी ना भागें आप, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो ये तो हो गए भाई हमारे बेसिक कंट्रोल्स यहाँ पे कि किस वाले बटन से क्या होगा। अब मैं इधर वाले कंट्रोल्स आपको दिखा देता हूँ एक बार।
एक बार मैं आपको माउस दिखा देता हूँ कि माउस का बेसिक कंट्रोल क्या है। तो ये देखो माउस है, यहाँ पे हमारा माउस रखा हुआ है। तो जैसे ही आप माउस को चलाएंगे तो माउस बेसिकली आपका कैमरा मूव करने के लिए, और चीज़ें जो होती है माउस से वो नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक नॉर्मल सी बता देता हूँ, अगर किसी को मारना हो तो ये जो माउस का लेफ्ट साइड वाला बटन है ये आप दबाएंगे और ये इस तरीके से पीटने लग जाएगा, ठीक है। तो यह आप सभी लोगों को दबाना है यहाँ पे राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला बटन माउस में, और जितना आप माउस मूव करेंगे उस हिसाब से आपका कैमरा चलेगा। तो माउस का अपन को ध्यान यही रखना है इसमें, बाकी मैं और चीज़ें बता नहीं रहा हूँ ना वीडियो में, इसलिए मैं आपको माउस का नहीं बता रहा हूँ। कीबोर्ड पे अपना जो मेन बेसिक कंट्रोल है वो दिखा रहा हूँ मैं आप सब लोगों को। अब भाई आपके मन में आई कि जैसे अब मैं इसको सीधा करता हूँ पहले, तो ये देखो जैसे सीधा देख रहा है। अब आपको पीछे देखना है, पीछे कोई एनिमी वगैरह आ गया कुछ भी हो गया तो डायरेक्ट पीछे देखने के लिए आप जो ये सी वाला बटन है यहाँ पे दबाएंगे और देखो दबा के रखना है, छोड़ोगे तो वापस सीधा हो जाएगा, ये वापस 90 डिग्री पे देख लेगा पीछे इस तरीके से। देखो किस तरीके से कितनी जल्दी दबा रहा हूँ मैं, तो दबता जा रहा है। तो इस तरीके से पीछे देख सकते हो आप सी वाले बटन से। अब आप कैमरा चेंज करना चाहते हैं, कैमरा चेंज होगा वी वाले बटन से, ठीक है। तो वी वाले बटन से कैमरा चेंज होगा, इसमें चार कैमरा आते हैं तो हम वी वाले से चेंज करते हैं, कैरेक्टर के चार कैमरा है यहाँ पे। तो ये देखो ये वी वाला बटन दबाया, आप देखो कितना दूर का कैमरा हो गया हमारा बंदे का, ये देखो हो गया ना दूर का। एक और बार वी वाला दबाया, ये रियल कैमरा फर्स्ट पर्सन, ये देखो FPP, ये इससे बिल्कुल आपको रियल तरीके से दिखाई देगा। एक और बार दबाओगे तो इतना पास का यहाँ पे कैमरा खुल जाएगा, ये इस तरीके का, इसमें आपको थोड़ी चीज़ें और बड़ी नज़र आएगी। तो ये पास वाला कैमरा है, एक ये हमारे सेकेंड नंबर का कैमरा। तो ये हो गए चार कैमरा जो आप वी से चेंज कर सकते हो। एफ वाला जो बटन है गाइस, जिससे आप गाड़ियों में बैठ सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको बैठ के दिखा देता हूँ। एंड एक अगर एक और बात बताना मैं भूल गया, स्पेस के साथ आपको किसी चीज़ पे चढ़ना है जैसे, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो ये गाड़ी को ही रोकते हैं यहाँ पे, रुक जा भाई, अब इस गाड़ी पे चढ़ना है तो आप स्पेस दबाएंगे एक बार और ये देखो गाड़ी पे चढ़ गया ये, तो भाई खांसी चलने लग गई मेरे, रुक जाओ एक सेकंड के लिए। तो इतना सिंपल है, आपको कहीं पे भी चढ़ना है तो देन आप स्पेस वाला बटन दबाएंगे तो इस तरीके से ये चढ़ जाएगा, ये देखो ये चढ़ गया। उतरने के लिए कोई खास बटन नहीं दबाना है, वापस उतर जाएगा अपने आप नॉर्मली। ये किसने भाई बाइक की इतनी गंदी हालत कर दी। तो अब जो है अपन कार में बैठते हैं, चलो कार में चलते हैं, यहाँ से घूम के चलते हैं। और यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि माउस का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए भाई कैमरा में दिक्कत हो रही है हमारा, क्योंकि माउस का यूज़ कैसे करूँगा यार, मेरा एक हाथ तो इसमें ही है, तो निकल ले भाई टक्कर मार देगा। तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वो खड़ी उधर वाली साइड पे, तो वहाँ पे चलते हैं गाइस अपन जल्दी से फटाफट। और देख लो मैं भाग का इसे रहा हूँ, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, ये आपको दबानी है, स्टेमिना यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है ड्राइवर भैया का। तो देखो यहाँ तक अपन लोग पहुँच गए। अब देखो अपन को जो है बैठना है यहाँ पे व्हीकल में, तो किस तरीके से बैठेंगे, तो एफ वाला बटन आप लोग दबाएंगे तो ये देखो बैठ गए यहाँ पे मोटरसाइकिल पे, पुलिस की मोटरसाइकिल है। और वापस अगर आप एफ का बटन दबाएंगे तो उतर जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बैठना है और इस तरीके से आपको उतरना है, ठीक है। एम वाला बटन दबाएंगे तो इससे इंटरेक्शन मेन्यू खुल जाता है, तो यहाँ पे आपकी GPS, इन्वेंटरी, आपका ब्रीफ और डायरेक्टर मोड, ये बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको नहीं बताते हैं। पी वाला बटन दबाओगे तो ये पॉज के लिए होता है, आपको गेम पॉज करना है। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन स्टेटस सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, गेम की स्टेट्स देख सकते हो, ब्रीफ देख सकते हो, कितने पैसे हैं, कितना टाइम हो रहा है, कौन सा दिन है, क्या क्या देखता रहे आपके पास, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ से। एंड ये मैप देख सकते हो आप पूरा क्लिक करके, इसमें नीचे पूरे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, सब बाद में बताएंगे। भी ज़्यादा वीडियो को जितना छोटा हो सकता है उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं बनेगा मेरे को याद है। अब मान लो आपका माउस ख़राब है या आपको किसी को पीटना है, लाइक मेरे को इस लड़की पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं है यहाँ क्या कर रही है, तो ये आर वाले बटन से भी आप पीट सकते हो। ये लड़की है, लड़का है, तो देखो इस लड़के को हम पीटेंगे तो आर वाला बटन आप जो है दबाते जाइए यहाँ पे, बस बस भाई बहुत गुस्सा होगा, आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से भाई ये सारी चीज़ें थी, और बाकी चीज़ें आप सब लोगों को बाद में बताएंगे, ये पूरा बेसिक था एंड आप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो ये वीडियो पसंद आया उधर प्लीज़ लाइक ज़रूर करने का, एंड अगर आप चैनल पर नए हो PC बाबा पे तो सब्सक्राइब करने का फॉर मोर अमेजिंग PC गेमिंग कंटेंट के लिए। मैंने कोशिश पूरी की, बस ये कैमरा का थोड़ा हो सकता है, बाकी मैंने दिखा दिया यार, दिख रहा है अच्छी तरीके से, समझ जाना भाई। माइक का भी यार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा कैमरा इधर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि वॉइस में भी दिक्कत हो जाती है मेरी। तो बाय बाय एंड टेक केयर, एंड फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में।